विरच्यते मिते स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका महावीरं जिनं नत्वा बालानां सुख बुद्धये दीपिकाया विशेषाथ प्रकाशेन प्रकाश्यते। श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीप का ग्रंथ, इसमें दूसरा प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकाश अंतिम चरण पर, जिसमें सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा करने के बाद अब विशेष सर्वज्ञ की सिद्धि की चर्चा अपन कर रहे हैं। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में हमने देखा कि कोई सर्वज्ञ है, इस तरह की सिद्धि की कोई है, लेकिन वह कौन है यह जानने की जिज्ञासा खड़ी हुई कि कोई तो ऐसा है जो सबको जानता है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन वह कौन है? ऐसा किसी के बारे में भी अच्छा अच्छा कहा जाए ना कि इतने महान व्यक्ति हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो कौन है? जैसे अपने यहां समझ लो कोई आने वाले हों, कहा कह रहे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो हमें ऐसी जिज्ञासा खड़ी हो जाती कि है वो कौन। तो ऐसे यहां पर भी संपूर्ण विश्व को जानने वाला कोई है, कस्यचित् प्रत्यक्षा माने किसी के सब कुछ प्रत्यक्ष है, तो ऐसा वह महान व्यक्तित्व कौन है, वो महान आत्मा कौन है कि जो सब कुछ जानने वाला है? ऐसी जिज्ञासा खड़ी हुई तो उसका जवाब आया कि ऐसा कोई और नहीं, वो अरहंत ही हैं, अरहंत भगवान ही हैं जिनके सर्वज्ञता है, सर्वज्ञपना उन्हीं के पाया जाता है, वे ही लोक अलोक सबको एक साथ एक ही समय में जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञता अरहंत के ही है, इस बात की सिद्धि करना ही विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहलाती है। तो यहां अपनी यही चर्चा चल रही थी, कल अपन ने पढ़ा था सामान्यतः प्रसिद्धस्य सार्वज्ञस्य अर्हति प्रसादनम्, ये सामान्य सर्वज्ञ पना वह अरहंत में ही है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को अपन ने पढ़ लिया था, ये पढ़ने में कहीं कहीं जो एकदम शुरुआत में है ना, नन वस्तु एवं, तो यहां पढ़ने में भले ही ऐसा पढ़ने में आ गया होगा ननु अस्ति एवं, लेकिन वास्तव में वो अस्तु एवं पढ़ना है, क्योंकि उसका संधि विच्छेद देखेंगे यदि तो ननु अस्तु एवं। क्या शंका उठाई कि विश्व को साक्षात करने वाला कोई अतींद्रिय ज्ञान है, ये तो मान लिया, लेकिन वो अरहंत के ही ऐसा कैसे माने? क्योंकि कस्यचित् यह तो कोई सर्वनाम है और यह सामान्य किसी के भी हो सकता है, उन्हीं व्यक्ति विशेष में कैसे? तो कहा उसकी भी सिद्धि करते हैं। पहले तो सामान्य सर्वज्ञ की सिद्धि अनुमान से की, सूक्ष्मांतरितादि से, लेकिन अब दूसरे अनुमान से यह सिद्ध करते हैं कि वह सर्वज्ञता अरहंत में ही है। दूसरा अनुमान कौन सा लगाया बता दो एक बार, पूरा का पूरा, अरहन सर्वज्ञो भवितुम अर्हति निर्दोषत्वा, ये तो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल शब्द ऐसे याद होना चाहिए, खास तौर से वरिष्ठ वालों के लिए, जब आप लिखेंगे तो ये पूरे शब्द उसमें वैसे ही के वैसे आए। अरहन सर्वज्ञो भवितुम अर्हति निर्दोषत्वा, अरहंत ही सर्वज्ञ होना चाहिए है, क्योंकि निर्दोषत्वा निर्दोष होने से, और फिर व्याप्ति घटित की अनुमान व्यतिरेक वाला कैसा, यस्तु ना सर्वज्ञो ना सौ निर्दोषा, जो सर्वज्ञ नहीं वह निर्दोष भी नहीं, यथा रथ्या पुरुष इति, जैसे कि रथ्या पुरुष, यहाँ केवल व्यतिरेकी लिंगिक अनुमान लगाया गया है। फिर बाद में इसकी व्याख्या की गई कि निर्दोष का क्या अर्थ लेना, तो सबसे पहले दोष का अर्थ बताया, दोष का अर्थ बता देंगे
तो उस दोष से जो रहित है उसका नाम निर्दोष हो जाएगा। तो दोष का अर्थ क्या है? आवरण आदि और राग आदि आदि, माने आवरण और राग आदि ये सभी कहलाते हैं दोष, और उनसे निष्क्रांतत्व मन उनसे रहित पना उसका नाम है निर्दोष। ठीक है अर्पित, क्या बोले? दोष क्या है ना? आवरण आदि और राग आदि, आवरण और राग आदि ये सभी हैं दोष। क्यों दोष हैं? क्योंकि कमियां हैं ना, इनके होने से हमें समस्याएं होती हैं। यदि आवरण होगा, चाहे वो दर्शन पर हो चाहे ज्ञान पर, तो जितना जितना आवरण होगा उतना उतना हमारे जानने में कम आएगा। मति ज्ञान पर आवरण, श्रुत ज्ञान पर आवरण, अवधि ज्ञान पर, मन पर, ज्ञान पर, केवल ज्ञान पर, इन सभी पर जितना आवरण होगा तो हमारे जानने में कमी होगी, और आवरण ज्यो ज्यो हटता चला जाएगा तो हमारे ज्ञान की विशेषता प्रकट होगी। इसलिए आवरण है तो हमारे लिए जानने देखने में बाधाकारी बाधक हैं, इसलिए इनको दोष कहा। और रागादया रागादि कषाय भाव जब तक होंगे तब तक हमें दुख होगा, और दुख होगा तो इसलिए हमारे लिए वो दोष ही हुए। इसलिए आवरण रागादि हुए दोष, और उनसे रहित पने का नाम है निर्दोष। और कहते हैं तत्खलु सर्वज्ञत्व मंत्रेण नोपद्यते, ये सर्वज्ञ के बिना निर्दोषपना अन्य किसी के नहीं पाया जाता है। अल्पज्ञों के तो है ही नहीं, अल्पज्ञों के तो इनका रहित पने का विरोध है, माने उनके अल्पज्ञों के तो ये चीजें पाई ही जाती हैं। क्या पाया जाता है तेजस? आवरण राग आदि ये दोष पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते गए, फिर अरहंत भगवान के निर्दोषत्व को और सिद्ध करने के लिए कहा कि उनके वचन युक्ति शास्त्र से अविरोधी हैं। जो उन्होंने कहा है वह बिल्कुल सत्य सिद्ध होता है। उन्होंने जो मोक्ष का कारण और संसार का कारण बताया वह बिल्कुल सही है। ऐसी बातें इन्होंने कही, इसलिए बात ख्याल में आती है कि उनके आवरण दोषादि से रहित पना है, इसलिए वे निर्दोष हैं, और निर्दोष हैं तो उनकी वाणी भी निर्दोष है, और वाणी की निर्दोषता से उनकी निर्दोषता भी ख्याल में आती है। दोनों तरह से बात सिद्ध हो चुकी। अब अपन विषय आगे बढ़ाते हैं। कल प्रश्न उठाया था कि ये सिद्धि हो जाती है कि अरहंत ही सर्वज्ञ हैं, यहां तक अपना सिद्ध हो गया। तो देखा जाए तो विशेष सर्वज्ञ सिद्धि यही हो गई, लेकिन फिर भी अभी और भी है, आगे पूरा समाप्त हो गया ऐसा नहीं। अभी भी जब तक थोड़ी सी भी कचास हो तब तक अभी भी पूरा विषय कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या अभी कचास बाकी है? अब ये वाली बात बाकी है, अरहंत ही सर्वज्ञ हैं, ये बात तो पक्की हो गई, लेकिन अभी ये वाली समस्या है कि ये ही बस है कि और भी कोई हो सकता है। यदि ऐसा कोई प्रश्न खड़ा करे तो उसका भी खंडन होगा कि नहीं, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा निर्णय होने के बाद एकदम फिर फाइनल होगा कि यही सर्वज्ञ हैं, अरहंत ही सर्वज्ञ हैं। तो प्रश्न यही उठाया गया, एवं अपि सर्वज्ञत्वम अरहत एवेति कथम। इस प्रकार से अरहंत ही सर्वज्ञ पने से सुशोभित हैं, अरहंत ही सर्वज्ञ हैं, अथवा अरहंत में ही सर्वज्ञ पना है, एवेति कथम। इति कथम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा कैसे कि वे ही बस सर्वज्ञ हैं? कपिलादीनामपि संभाव्यमानत्वादिति चेत, कि कपिलादिकों में भी संभावना होने से, कपिलादि जो बौद्धादि के जो गुरु हैं अथवा भगवान हैं जो भी उनको मानते हैं, तो कह रहे हैं कि इनमें भी तो सर्वज्ञता हो सकती है। संयम क्या बोला? इनमें माने किन में? कपिलादिक में, ठीक है, माने उनके सभी गुरु हैं बौद्धों के, तो इनमें भी तो सर्वज्ञता है, वो भी तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा।
तो इसलिए आप अपने जो अरहंत हैं उनको भी सर्वज्ञ मानो, मैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जो कपिला देव हैं उनको भी सर्वज्ञ मानो, ऐसा उनका कहना है, तो मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप अपने को मान रहे, हमारे को ही उनको ही मान लो, दोनों को मान लो, झगड़ा भी नहीं होगा। तो बात सिर्फ झगड़े की नहीं है, बात है सच्चाई की। झगड़ा कराने का उद्देश्य नहीं है, सत्य मार्ग बताने का उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य से यहां पर कहते हैं कि उच्चते कपलादयो ना सर्वज्ञा, कपलादि सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? नमन सदोसत्वात्, क्योंकि सदोष होने से अपने अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, क्योंकि निर्दोषत्वात्, निर्दोष होने से, और कपलादि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि सदोष होने से, सदोष है उनके, इसलिए वे सर्वज्ञ नहीं है। सदोषत्वं तु तेषां न्याय आगम विरुद्ध भासी तत्वात्, और सदोष होने से उनके क्या है? न्याय आगम विरुद्ध भासी तत्वात्, उनके जो वचन हैं न्याय और आगम से विरुद्ध हैं, जो भी वो कहते हैं वह बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो वस्तु तत्व बताया, किसी ने बताया कि सर्व वस्तुएं क्षणिक हैं, ये वाली बात एकदम स्पष्ट ख्याल में आती है, ये बात सिद्ध नहीं होती। कैसी सिद्ध नहीं होती? क्षणिक तो है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं सर्वथा क्षणिक है। बौद्ध मत वाले कहते हैं कि संसार में सबका विनाश हो रहा है, सर्वथा, हर चीज अनित्य ही है, सर्वथा नित्य है। तो ये बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल ही असिद्ध होती है, क्योंकि यदि सब कुछ अनित्य होता तो हमारे अंदर ही नित्यता दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजों में नित्यता दिखाई दे रही है, और हम जो बचपन में थे वो अभी भी हैं, वही के वही सेम टू सेम, ये कहां बदला? तो सर्वथा अनित्य कहोगे तो गड़बड़ है, कोई कहता है सर्वथा नित्य ही है तो भी गड़बड़ है, क्योंकि बदल भी रहा है, चेंज भी हो रहा है सब कुछ। तो कोई मत ऐसे हैं कि सर्वथा वस्तु को अनित्य ही मान लेते हैं, और कोई सर्वथा नित्य ही मानते हैं, तो उनकी बात तो वैसे ही प्रैक्टिकली असिद्ध होती है, न्याय से भी असिद्ध होती है और आगम से भी असिद्ध होती है। इसलिए वो सदोष हैं, और सदोष होने से उनकी सर्वज्ञता नहीं हो सकती है। ठीक है, सदोषत्वम तु तेषां न्याय आगम विरुद्ध भासी तत्वात्, उनके वचन न्याय आगम से विरुद्ध ही भाषित होते हैं। तच्च तद अभिमत मुक्त्यादि तत्वस्य सर्वथा एकांतस्य च प्रमाणवादी तत्वात्, कहते हैं और आगे कह रहे हैं तच्च, तच्च का मतलब जो अभी ऊपर कहा ना न्याय आगम विरुद्ध, यह जो न्याय आगम विरुद्ध जो बात है वह है तद अभिमत, माने उनके ही द्वारा मानना। अब ये जगह आया था तद अभिमत, माने अपने अरहंतों के द्वारा, सर्वज्ञ के द्वारा कथित, अब यहां तद अभिमत माने उन्हें सौगत आदि के द्वारा मानना, अथवा कपिलादि के द्वारा जो कथित मुक्त्यादि तत्व से, मुक्ति आदि जो तत्व हैं, मुक्ति माने मोक्ष, मोक्ष आदि जो तत्व हैं, मोक्ष में फिर सारे लगा लो, जीव जीवा श्रवबंध सम्बन्ध मोक्ष, ये सारे जो तत्व हैं इनके संबंध में, एक तो ये सातों ऐसे मानते भी नहीं, कदाचित मोक्ष मानते हैं, लेकिन उसके संबंध में भी सर्वथा एकांतस्य, इनके सर्वथा एकांत ही माना जाता है, माने जितना भी तत्व इनके द्वारा कहा जाएगा सब में सर्वथा एकांत ही होता है, इसलिए यह सर्वथा एकांत होने से प्रमाणवादी तत्वात् प्रमाण से बाधित है। प्रत्यक्ष से भी ख्याल में आता है, अनुमान से भी ख्याल में आता है कि इनके द्वारा कही गई बात ठीक नहीं है, इसलिए प्रमाण बाधित होने से सदोष बना ही है। अब इसी को और बताने के लिए प्रमाण रूप में तदुक्तम स्वामी भी एव, स्वामी के द्वारा कहा गया है, कौन से स्वामी के द्वारा? समंत्रभद्र स्वामी के द्वारा कहा गया है। एक बार मैं बुलवा देता हूं, वैसे तो सबको पता होगा, सत्वमेवासि निर्दोषो, सत्वमेवासि निर्दोषो,
युक्ति शास्त्र विरोधी वा अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते त्वन्मतामृतवाहयानां सर्वथैकान्तवादिनां आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। ये आप्तिमांसा की छठी और सातवीं कारिका है। आप्तिमांसा कहो अथवा देवागम स्त्रोत कहो, एक ही बात है। इसमें क्या कहा, स त्वम एव असी निर्दोषो। समंत्र भद्राचार्य कहते हैं भगवान के लिए, क्या कहते हैं सर्वज्ञ के लिए, अरहंत के लिए क्या कहते हैं, सा माने वह, सा माने वह, त्वम एव असी वह, त्वम एव असी माने तुम ही हो, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो माने कौन हो, निर्दोष हो, कि वह तुम ही निर्दोष हो, हे भगवान आप ही निर्दोष हैं। क्यों, उसका कारण क्या है, युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, कि आपके जो वाक माने वचन हैं वो युक्ति शास्त्र से अविरोधी हैं। युक्ति माने प्रमाण और नय से, प्रमाण नयात्मक को युक्ति, तो प्रमाण नय से अविरोधी हैं माने उनसे विरोध नहीं आता। अब प्रमाण में प्रत्यक्ष परोक्ष और फिर उसमें परोक्ष में ये स्मृति आदि सारे अनुमान आदि सब, इन सभी से ये सब किस में आ गए, युक्ति में आ गए। क्या क्या आ गया युक्ति में, प्रमाण आ गया, नए आ गए, और प्रमाण में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष में भी स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम ये सब आ गए। इन सब से माने युक्ति से और शास्त्र से, इनसे किसी भी रूप में विरोध नहीं आता है। शास्त्र वही जिनवाणी, वीतरागता की पोषक जिनवाणी जो कही गई है, इनसे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं आता है। किसमें, आपके वचनों में, माने आपके वचन युक्ति और शास्त्र से अविरोधी हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है। अविरोधो और अविरोधी हैं तो कहते हैं यदिष्टम ते, यत माने जो, इष्टम माने इष्ट, इष्ट क्या है अपने लिए, नहीं या, हाँ वो भी है, बाकी यहां मुख्यता से मोक्ष, मोक्ष हमारे लिए इष्ट है। जो मोक्ष आदि जो तत्व हैं वो यहां पर इष्ट से लेना है। ते माने वे, प्रसिद्ध हैं न बाध्यते, कि आपके द्वारा जो मोक्ष आदि तत्व कहे गए हैं, जो इष्ट कथन किया गया, इष्ट माने जो हमें प्राप्त करना है, मुख्यता से मोक्ष प्राप्त करना है, तो वह सब प्रसिद्ध हैं न बाध्यते। प्रसिद्ध का अर्थ यहां लेना है प्रमाण आदि से, प्रसिद्ध माने प्रमाण से, ना बाध्यते वह प्रमाण से बाधित नहीं होता है। तो आपके बारे में तो ऐसा कह दिया आप ही निर्दोष हैं, क्योंकि आपके वचन युक्ति और शास्त्र से अविरोधी हैं, और आपके द्वारा कहा गया जो मोक्ष आदि के अनुरूपण वह भी प्रमाण आदि से बाधित नहीं होता, माने निर्दोष है। लेकिन आपके अलावा अन्य जो भी हैं दीपक, वो कैसे हैं, त्वन मतामृत बाह्यानाम, त्वन मतामृत, त्वन माने आपके मत रूपी अमृत से बाह्यानाम जो बाह्य हैं, बाहर हैं, माने आपके अमृत रूपी मत से जो बाहर हैं, माने जो आपकी बात नहीं मानते, आपका अनुसरण नहीं करते, वो उससे जो बाहर है माने अन्य मत वाले, अन्य दर्शन वाले, वे सर्वथैकांतवादी नाम, और सर्वथा एकांतवादी हैं। समस्या तो ये है, आपकी बात तो मानते नहीं, आपका अनुसरण करते नहीं, आपके बताए गए मार्ग पर तो चलते ही नहीं, आपके मत से बाहर हैं, और साथ में एक और गलत काम करते हैं, कौन सा, सर्वथा एकांतवादी सागर,
सर्वथा एकांत वादी नाम, सर्वथा एकांत का ही कथन करते हैं, वस्तु तो सर्वथा नित्य ही है, सर्वथा अनित्य ही है, इस तरह की बातें करते हैं। और चलो एक बात ये और हो गई, अब तीसरी बात। पहली बात तो ये हो गई कौन सी, कि आपके मत से बाहर हैं, एक पॉइंट। दूसरी गलती क्या है, सर्वथा एकांतवादी हैं, दूसरी गलती हो गई। अब तीसरा एक और गलत काम करते हैं, कौन सा, आप्ताभिमान दग्धानाम, कि आप्त के अभिमान से दग्ध हैं, जल रहे हैं, उनको ऐसा अभिमान है कि मैं आप्त हूं, मैं आप्त हूं, हम सबको जानते हैं, सारा विश्व का ज्ञान हमें है, हमारे ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा उनके भ्रम हो गया है, आप्त के अभिमान से वो जल रहे हैं, एक तीसरा गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तीन काम हो गए गलत, कौन से सुशांत? पहला पहला नंबर तो आपके मत से बाहर हैं, एक। नंबर दो सर्वथा एकांतवादी हैं, नंबर तीन और रब्ते के अभिमान से दग्ध हैं। तीन काम हो गए। और स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते, स्वेष्टम स्वाइष्टम माने उनका जो इष्ट है, स्व माने स्वयं का, उनका स्वयं का, इष्टम माने जो तत्व है, उन्होंने जो तत्व का निरूपण किया है, जो भी वस्तु स्वरूप बताया है उनके हिसाब से, वह सब कैसा है, दृष्टेन बाध्यते, प्रत्यक्ष से ही बाधित तो होता है। ठीक है, दृष्टेन बाध्यते माने प्रत्यक्ष से ही बाधित होता है। उन्होंने कहा कि वस्तु सर्वथा नित्य है, बौद्धों ने कहा तो प्रत्यक्ष से ही बाधा दिखाई देती है, सर्वथा नित्य होता तो सारा लोक व्यवहार तक खत्म हो जाता, वस्तु स्वरूप तो होते ही होता। ऐसा उदाहरण देते हैं इसके लिए, प्रसिद्ध उदाहरण है, सुना हो तो, यदि वस्तु सर्वथा नित्य होती तो मान लो किसी ने किसी से कुछ पैसे उधार लिए ना, प्रियांश ने मान लो अर्पित से कहा 100 रुपये देना, ठीक है दे दिए, अब अर्पित कहने लगा लाओ हमारे वापस, तो क्या जवाब देगा? लेने वाला तो गया, क्यों गया? क्योंकि सब कुछ कैसा है, अनित्य है, लेने वाला तो गया। अब मुझे बता दो, वो इस उदाहरण से ऐसा सिद्ध करते हैं कि सब कुछ जब अनित्य है तो फिर कौन किसको ले और कौन किसको दे? देने वाले ने दिया और फिर वो जिसको दिया वो तो चला गया, अनित्य था, क्षणिक, खत्म हो गया, अब दोबारा कोई उसके 100 रुपये वापस कैसे करेगा? समझ सत्य यहां पर है। तो उनके हिसाब से तो लेने वाला तो गया, लेकिन यदि ऐसा मानोगे तो लोक व्यवहार सारा खत्म हो जाएगा, फिर कोई किसको क्यों दे और कोई किससे क्यों दे? इसलिए वाली बात प्रत्यक्ष से ही बाधित होती है, कि ऐसा होते ही नहीं कि लेने वाला गया, अरे वो है। अच्छा मुझे बताओ, उसने कहा लेने वाला तो गया, अथवा मैंने जो 100 रुपये उधार लिए थे वो भी गए और तुम देने वाले तुम भी गए, तो ये याद कैसे रहा बता दो। अरे जो याद रहा, इसका मतलब यही है, लेने वाला भी है और देने वाला भी, इसलिए ये सर्वथा क्षणिक मानना ठीक नहीं है और सर्वथा नित्य मानना भी, वह भी ठीक नहीं है। कथंचित अनित्य है और कथंचित नित्य है, ऐसे मानने में ही लाभ है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं मानते हो, सर्वथा एकांत मानते हैं, इसलिए आपके जो कथन है, आपका जो तत्व है, वह प्रत्यक्ष से ही बाधित होता है। यह बात आप मीमांसा की 6वीं और 7वीं कारिका में कही गई। इति कारिका द्वयेन एतयो एव परात्मा भीमत तत्व बाधा बाधयो समर्थनम प्रस्तुत्य भावे कांते इत्युपक्रम्य स्यात्कारः सत्यलांछनः इत्यंत आप्तमीमांसा संदर्भ इति कृतम विस्तरेणे। इसलिए यहां कह दिया अंत में, इति कारिका द्वयेन एतयो एव, इन दो कारिकाओं के द्वारा पर आत्माभिमत तत्व बाधा अबाधयो, यहां बोल रहे हैं
पर आत्मा भी मत, पर और आत्मा, परा भी मत और आत्मा भी मत, दोनों चीजें निकलेंगी यहां से। परा भी मत माने पर के द्वारा मानना, दूसरों के द्वारा मानना, और आत्मा भी मत माने स्वयं के द्वारा, अपने द्वारा मानना। जो तत्व है उसमें बाधा और अबाधा का समर्थन, बाधा और अबाधा का समर्थन मतलब पर के द्वारा माने जो तत्व है उसमें तो बाधा आती है, और अपने द्वारा माने जो तत्व है उसमें अबाधा आती है, माने उसमें कोई बाधा नहीं होती है। तो पर आत्मा भी मत तत्व बाधा बाधेयो समर्थनम, इसका समर्थन करने वाली प्रस्तुत, प्रस्तुत करने के लिए या इनकी प्रस्तुति के लिए भावे कांते कारी का नंबर 9, आप्तमीमांसा में कारी का नंबर 9, भावे कांते पदार्थानाम, यहां से जो गाथाएं श्लोक हैं वहां से लेकर इति उपक्रम, यहां से प्रारंभ करके स्यात्कारः सत्य लांछना, ये कारी का नंबर 112, कहां से लेके कहां तक, 9 से 12 नहीं, 9 से 112 कितनी हो गई, होगी ना बहुत सारी, इन सभी कारिकाओं को 103-4 हो गए ना, 104, तो यहां तक लेके कहते हैं 9 से लेके 112 तक इत्यंत, यहां पर्यंत आप्तमीमांसा संदर्भिति कृतम विस्तरेण, आप्तमीमांसा में बहुत विस्तार से कथन किया गया है, इसलिए यहां पर कृतम विस्तरेण, यहां पर ही जितना है उतना ही जानना, अब इससे ज्यादा विस्तार नहीं करते, जिनको और विशेष विस्तार जानना है तो वहां से जान सकते हैं। अब समापन कर रहे हैं, तत् एवं अतीन्द्रियम केवल ज्ञानम अरहत एव इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि तत् एवं वह इस प्रकार अतीन्द्रियम केवल ज्ञानम, अतीन्द्रिय केवल ज्ञान अथवा सर्वज्ञता, अरहत एव इति सिद्धम, अरहंत के ही है ऐसा सिद्ध होता है। तद्वचन प्रामाण्य प्रामाण्यात अवधि मनः परेयो अतीन्द्रियो सिद्धि, कहते उनके वचनों के अनुसार ही, प्रामाण्यात उनके वचन प्रमाण हैं, उस प्रमाणता के आधार से ही अवधि ज्ञान और मनः परेय ज्ञान ये दोनों भी अतीन्द्रियो, ये अवधि ज्ञान भी और मनः परेय ज्ञान भी, दोनों भी कैसे हैं, अतीन्द्रिय हैं, अतीन्द्रिय हैं, क्यों हैं, क्योंकि सीधे आत्मा से उत्पन्न होते हैं, इंद्रिय मन से नहीं, इसलिए वो अतीन्द्रिय हैं। सिद्धि इति अतीन्द्रिय प्रत्यक्षम अनवद्यम, इनकी सिद्धि अतीन्द्रिय पने से हो जाती है, इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है, किसी भी तरह की अब इसमें कोई बाधा नहीं बची। ततः स्थितम, इसलिए स्थित होता है अथवा स्थित हुआ, साम व्यवहारिकम पारमार्थिकम चेति दुविधम प्रत्यक्षमिति, कि प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, साम व्यवहारिक और पारमार्थ, जो देखा जाए तो टॉपिक असली तो था अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का, ठीक है, उसमें भी कहें सामान्य रूप से प्रत्यक्ष का, ठीक है, प्रत्यक्ष के दो भेद, साम व्यवहारिकम और पारमार्थिकम, ये शुरुआत यहीं से की थी और समापन भी यहीं पर कर दिया, बाद में ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष की चर्चा आई, तो थी तो चर्चा प्रत्यक्ष की मुख्यता से बाद में, लेकिन वहां ये सर्वज्ञ सिद्धि और ये सब आ गए, ये सब के सब पारमार्थिक प्रत्यक्ष के ही अंतर्गत है, ये मूल टॉपिक तो अपना पारमार्थिक का है, लेकिन वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो गौण सा हो गया, और हाईलाइट क्या हो गया, सर्वज्ञ सिद्धि, जबकि सर्वज्ञ सिद्धि जो हुई वह भी किस लिए हुई, पारमार्थिक प्रत्यक्ष को बताने के लिए हुई है, इसलिए ओरिजिनल असली टॉपिक तो है पारमार्थिक प्रत्यक्ष, शुरू में था साम व्यवहारिक, जो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है प्रत्यक्ष वह है साम व्यवहारिक, हम जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो अनुभव कर रहे हैं स्पर्श आदि से, यह सभी
असलियत में तो यह भी प्रत्यक्ष नहीं है, यह भी क्या है, परोक्ष ही है। कौन सा परोक्ष है? सोच रहे हैं, ये जो अपन जो देख रहे हैं, जो सारा इंद्रियों मन से जो जान रहे हैं, यह है जिसे सामवाहरिक प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, यह भी वास्तव में परोक्ष ही है, क्योंकि इंद्री मन से होता है और इंद्री मन से जो होता है वह परोक्ष ही होगा, लेकिन फिर भी इसको लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है, वो भी उपचार से ही है। इसलिए सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की कल्पना यह उपचार से की गई है, वास्तव में तो वह भी परोक्ष है और प्रत्यक्ष तो असली अतिंद्रिय होता है, पारमार्थिक ही होता है, जो सीधा आत्मा से होता है। तो आत्मा से जो होता है वही वास्तव में प्रत्यक्ष हो सकता है, अन्य कोई नहीं। इस तरह से ये दूसरे अध्याय की अपन ने चर्चा की, अंत में पढ़ते हैं लाइन। इति श्री परम अर्हताचार्य धर्म भूषण यति विरचितायाम न्याय दीपिकायाम प्रत्यक्ष प्रकाशो द्वितीयः। इति माने इस प्रकार, श्री परम अर्हताचार्य, परम अर्हताचार्य समझ लो, अर्हताचार्य से ऐसा लगता है अर्हंताचार्य, लेकिन उसी अरहंत के मत का अनुसरण करने वाले, ऐसे अरहंत जैसे, अरहंत तो नहीं लेकिन अरहंत जैसे आचार्य, कि जैसे अरहंत भगवान के संपूर्ण ज्ञान है, इनके संपूर्ण नहीं अल्प है, लेकिन उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उसी बात का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए अरहत आचार्य। कौन? धर्म भूषण यति विरचितायाम, के धर्म भूषण यति के द्वारा विरचित न्याय दीपिकायाम, न्याय दीपिका में प्रत्यक्ष प्रकाशो द्वितीया, ये प्रत्यक्ष प्रकाश जो द्वितीय है वह समाप्त होता है। तो इस तरह से द्वितीय प्रत्यक्ष प्रकाश की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब शेष जो अब जितना भी बचा परोक्ष, क्योंकि प्रमाण के भेद कितने कहे थे? दो कहे थे शुरू में ही, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष की तो चर्चा हो गई, कम में ही हो गई, अब परोक्ष की चर्चा होगी, वो थोड़े और विस्तार से होगी। उस परोक्ष में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इन सब की बहुत विस्तार से चर्चा होगी। फिर अन्य मतों की भी चर्चा होगी बीच बीच में, अनेक मत, अनेक दर्शन वाले आएंगे, वो इसमें तर्क वितर्क करेंगे, उनकी बात का भी खंडन होगा, और जो अपना द्वारा निरूपण तत्व है उसका मंडन भी होगा। और इसी के साथ में हम जो हम तत्व को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसकी और दृढ़ता होगी, निर्णय होगा, इन सब की चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी यहीं समाप्त करें।